नदी पार कर दूंगी, एक में हो जाए इतना पानी, एक में हो जाए इतना पानी। तो हम तो थोड़ी देर में अब घर चले जाएंगे, अब इनको भेज के तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक निकालना है, ठीक है। तो चेहरे पे तो बहुत मुस्कुराहट आ रही है। कैसा गया पेपर? अरे भूत खानी बोली रही भाड़ी भाड़ी आहा जो कही रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलका और आपको एक नई बात बतानी है। पता है यहाँ पर ना पहली बार पेपर हुए जा रहे हैं बनबसा में, सोचो ना। तो जा रहे हैं हम अपनी बहन का पेपर दिलाने के लिए और दिखाते हैं कौन सा स्कूल है। तो निकलते हैं अब हम, और हमारी बड़ी मौसी की लड़की आई है। हेलो। तो चल रहे हैं, निकल रहे हैं हम क्योंकि देर हो रही है, 11 बजे से पेपर है। ये देखिए ग्लोरियस एकेडमी, यहाँ पर भी पेपर होते हैं। बहुत ठंडा लग रहा है रे बाबा। तो हम पहुंच गए हैं सेंटर पे। ये है बनबसा का चंदनी, वो बनबसा के चंदनी गांव के पास में। तो चूड़ियां उड़िया खोली जा रही है यहाँ पर। तो हम तो थोड़ी देर में अब घर चले जाएंगे, अब इनको भेज के तो हमारी तरफ से बैग का प्लग निकालना है, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं घर, आप सीधे लेने को आते हैं और पूछते हैं कैसा गया पेपर, कैसा नहीं गया। और मुझे घर में बहुत सारा काम करना है, निकलते हैं और लेने को आते हैं। और हम घर पहुंच गए हैं और यहाँ पर पूर्णागिरी इंटर कॉलेज में भी पेपर चल रहे थे और यहाँ पर गप्पू काम कर रही है अपना स्कूल का, सभी काम में जुटे हुए हैं क्योंकि इनकी छुट्टी खत्म होने वाली है ना, इसीलिए। तो सभी को इनका हेलो है। और आप काहे का काम कर रही हैं? समीर जी का। समीर जी का? हाँ। वो खुद नहीं कर पा रहे हैं अपना काम? थोड़ी अपना काम करो भाई, इनके चक्कर में खुद मत रह जाना। और यहाँ पर नानी जी खाना खा रही हैं, ये देखिए। और नानी खा रही हैं अंडा का झीजरा जो कि मैं बना कर गई थी। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पर दीपांशु देखिए कह रहे, ये पता है ये कहते हैं हम मुझको दो ही अंडे दिए, अंडे के झीजरे। और नेत्र नहीं खा रहे खाना, ये देखिए ये अंडे खाली झिझरे झिझरे खा रहे हैं। और खाना खाते हैं ये पता नहीं खाते नहीं खाते, ऐसे घूमते रहे। गाइस अब हम निकल रहे हैं अपनी बहन को लेने के लिए और साथ में हमारे बड़े भाई भी आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। लेकिन तो बच्चे आने लग गए हैं, तो चेहरे पे तो बहुत मुस्कुराहट आ रही है। कैसा गया पेपर? अच्छा गया, बहुत बढ़िया। भैया चेहरे पे दांत तो दिख रहे हैं। तो कितने कितने करके आए? 100 200। अरे देख के बहुत सारी लड़की नकल करती थी पता है। अरे बताना नहीं चाहिए था ना। बताया नहीं, बट बोला कि ऐसे ऐसे देख रही थी। अच्छा ऐसे ऐसे देख रही थी झांक झांक के। तो चलते हैं अब घर, बहुत ठंड लग रही है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बेर तोड़ने के लिए, जो कि हमारी बहन को और हमारे बहनोई को बहुत मन से है, मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। तो निकल रहे हैं, जूते वूते सब खुलवा दिए हमने उन्हें। तो आगे आगे जा रही हैं मम्मी जी, गप्पू जी और हमारे बहनोई और बहन, और हम हैं पीछे को मेरे भाई साहब और मैं, और मेरे पास है पॉलीथीन बेर रखने के लिए। तो चलिए चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं बेर का अड्डा, जो कि आप अगर हमारे ब्लॉग देखा होगा आपने तो काफी बार हुड्डी पार देख रखा होगा। हेलो गाइस, तो यहीं से कर लेते हैं। और बोलो हम जा रहे हैं बेर तोड़ने और आगे है बेर का अड्डा
और यहाँ से हमें दो नदी पार कर दी होगी, एक में होगा इतना पानी, एक में होगा इतना पानी। तो हम दो नदी पार करेंगे जो कि इन्होंने बताया है बहुत बढ़िया तरीके से, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बोल पाती ना गप्पू। तो एक बार वीडियो देखना आप वो वाली झूला पुल वाली, तब देखना कि जो यहाँ से कूदा उसकी लाइन कट है। गप्पू बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाती है। क्या? हाँ, क्योंकि ज्यादा वीडियो में आ नहीं पाती ना, क्योंकि गप्पू जाती है पढ़ने के लिए ना गप्पू। तो ये आ गई हमारी हुड्डी नदी, ये हो रही है नदी पार। अरे मेरी बद्दी खुल गई गप्पू, जो देखो यार, ये देख रहे हो, ये 50 रुपए की चप्पल ने मेरे को धोखा दे दिया यार। हाँ बहुत बढ़िया गप्पू, चप्पल तो पकड़ लो यार। यार इसकी बद्दी निकल गई, बहुत ढीली हो गई है यार, मेरी चप्पल की बद्दी निकल गई। तो पता है गप्पू क्या बोल रही है, आ लो 50 रुपए की चप्पल, मेरी 60 रुपए की है। एक कदम आगे गप्पू बहुत तगड़ा तगड़ा बोलती है यार, बहुत खतरी वाला। और यहाँ पर कुछ लोग बेर भी खाने लग गए हैं, हम पहुंच ही नहीं पाए। अब लोग तोड़ रहे हैं बेर, और मुझे भी तो मदद करानी है। तो ठीक है, हम भी जरा तोड़ लें, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और कुछ लोग बेर मांगते हैं तो हम उनको बता दें, भैया बहुत कांटों से हम निकालते हैं बेर। ये देखिए चील, अरे चुप गया। चलिए ये लो, आओ रुख बेर तोड़ाते हैं अब। हाँ, बड़ी 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 वाली जो जो कि चक्करपुरा के मेले में बिकती है। चलो भाई, हम अपनी रुख बेर खाएंगे। हो गई होंगी बड़ी। हाँ। वो तो फरवरी में पकती है ना, फिर जनवरी में पक जाती है। और ये आ गया रुख बेर जो कि काफी बड़ी बड़ी होती है। अरे देखो हरी है, कतई जा रुख बेर कहाँ है, ये तो छोट बड़ी है, बड़ा है। वाओ ये देखिए महाशिवरात्रि के टाइम पे, ओहो बहुत मीठी है, बहुत ही मीठी लगी, मजा आ गया। ये रुख बेर हम भी खिलाएंगे। तो ना अब मुझे अड्डा पता चल गया है, तो चक्करपुरा के मेले में मैं भी इसे बेचूंगी रुख बेर, मेरे से खरीद लेना ठीक है, पर सस्ती मत करना। देखो मैं बहुत मेहनत से तोड़ के ले जाऊंगी यहाँ से। तो ठीक है हम तोड़ ले, और वैसे तो अभी कच्ची है, एक पकी दिख रही है, मैं तोड़ती हूँ। तो फाइनली हम हुड्डी नदी बहुत मुश्किलों से पार कर पाए, क्योंकि मेरी चप्पल साथ नहीं दे रही थी। तो चल रहे हैं अब घर, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। ओके बाय। ठीक है। अरे भूत खानी बोली रही बाड़ी बाड़ी, आहा जो कही रहा है तू, बुजन कहीं से खिचखिच आ रही आवाज आई, कहती भूत हानी
ऐसे करके, ऐसे करके।